पिलर जो है वो कंप्लीट है, वहाँ ही होगा तो कम नहीं होगा। दरिया के किनारे किनारे बनने वो डाल रहे हो, होई होई होई। ये वाला फ्लेवर यहाँ से बन रहा है, बहुत लंबा फ्लेवर होनी चाहिए गाइस, तब भी दिखते हैं। लेकिन गुड न्यूज है यार, अपने जम्मू कश्मीर और अपने ऑल इंडिया के लोगों की, भाई तुम्हारा नाचलाना पहुँच गया आज फिर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज तुम्हारे भाई ने प्लान कराया, आज सुबह सुबह सीधा निकल आया भाई तुम्हारा एक ऐसी लोकेशन पर, जैसे कि बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि सोहेल भाई नाचलाना और जो के बीच में जो फ्लेवर वाला स्ट्रेच बन रहा है उसके रिलेटेड ना आप अपडेट दे दो। जैसे कि मैंने लास्ट वाले व्लॉग में अपडेट दी हुई थी चिनार पॉइंट के, वहाँ पर चिनार पॉइंट वाले स्ट्रेच के बारे में जो मैंने अपडेट दी हुई थी, तो उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, सपोर्ट करी। तो उसी के बाद भाई तुम्हारे ने सोचा कि आज क्यों नहीं एक जगह पर जाएगा। उससे पहले भाई तुम्हारी की आज की लोकेशन कुछ इस तरह की होने वाली है। आज की अपडेट हम देने वाले हैं कश्तवाड़ी पत्थर से लेकर आगे का जो आगे के फ्लेवर की अपडेट है। यहाँ लेवर काम कर रही है, सल्यूट इन लोगों के लिए कि हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ कि इनके लिए सल्यूट है भाई। ओई होई 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 होई। ये वाला फ्लेवर यहाँ से बन रहा है, बहुत लंबा फ्लेवर होने वाला है, सिंगल ट्यूब फ्लेवर होगा, सिंगल लाइन वाला होगा, टू लाइन यानी एक साइड यहाँ से ही रहेगा और एक वहाँ से बनेगा। लेकिन भाई बहुत खूबसूरत बनने वाला है। तो चलिए गाइस व्लॉग को ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज के व्लॉग को हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, और उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग जो है वो आपको पसंद आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। सबसे पहले भाई ये दिखाऊँगी कि ये देख लो भाई, दरिया के साथ में इन्होंने जो है फ्लेवर का काम स्टार्ट करा है। कुछ पिलर जो है वो कंप्लीट है, वहाँ से आगे फिलहाल चलेंगे वहाँ से आगे और वहाँ से दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा जो है वो कंप्लीट है। और यहाँ से जो है यहाँ पे काम लगाया गया है नया वाला, ये चेक करो ये बन रहा है, इसकी आज शटरिंग बांध रहे हैं शायद, अच्छा हाँ ये इसके कारण बांध रहे हैं। देख लो गाइस कितने लंबी है, ये देख रहे हो ना, यहाँ से इसकी आज शटरिंग बांध रहे हो। और यहाँ से ये जो फ्लेवर बनने जा रहे हैं ना, जैसे कि कश्तवाड़ी पत्थर जो था ना यहाँ पर था, इस जगह पर था, ये जगह जो है वो मगरकोट से और बानीहाल के बीच में वगन से आगे रामबन वाली साइड आती है। चमनवास से निकलने के बाद जब आप रामबन की तरफ आओगे तो उस वाली साइड पे आता है, और जब आप जम्मू से कश्मीर की तरफ आओगे तो बानीहाल वाले साइड जो है रामसू से निकलने के बाद बानीहाल वाली साइड पर ये फ्लेवर आएगा। और ये फ्लेवर जो है गाइस बहुत लंबा फ्लेवर होने वाला है, यहाँ से लेकर एटलीस्ट कम से कम 2 किलोमीटर, लगभग अबाउट 2 किलोमीटर के रिलेटेड होने वाला है। जिस तरह से ना इस पे दरिया के साथ साथ में दरिया के कोने कोने में जैसे काम चल रहा है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2 किलोमीटर के करीब करीब ही होगा, हो सकता है ज़्यादा ही होगा, तो काम नहीं होगा भाई इतना ज़्यादा, मैं बता सकता हूँ भाई। और चलिए फिलहाल देखते हैं कि इसका काम कितना हुआ है, इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये देख लो भाई वहाँ से आगे कंप्लीट ना, जैसे टॉप पे कर दिया उसके बाद ऊपर से डालते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, वाइट एंगल कुछ बोलते हैं शायद, उस दिन कमेंट में बंदे एक ने बोला था, सॉरी यार भाई मैं भूल गया उस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो चलिए आज हम इसके रिलेटेड बताएंगे कि यहाँ से जो है, यहाँ से इस जगह से कितने फ्लेवर ये होने वाला है, इसकी मैं क्लियर जानकारी लेता हूँ ये कितने किलोमीटर का होगा, तो वो भी आपको बताते चलूँ, बताते क्या कि स्क्रीन पर मैं लिख लूँगा कि वो कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर का बनने वाला है इस जगह से वहाँ तक। तो ये देख लो भाई लेवर काम कर रहे हैं, यहाँ से भी जोरों के साथ काम चल रहा है, यानी मगरकोट और बानीहाल के बीच में स्ट्रेच वाला बस यही एरिया समझ लो कि आप जो वो पेंडिंग है NH44 के प्रोजेक्ट में, बस इतना सा एरिया जो है वो पेंडिंग है, बाकी जो है कंप्लीट है। यहाँ से ये नाचदाना से आगे हिंगनी आते हैं, वहाँ से आगे एटलीस्ट गांगरो रामसू तक ये जो है दरिया के किनारे किनारे बनने वाला है, दरिया के किनारे किनारे ही बनेगा। चलिए फिलहाल गाइज मैं चलता हूँ यहाँ से आगे और वहाँ आगे मोड़ पर, और वहाँ से दिखाता हूँ कि वहाँ से आगे और भी ये कितना बना हुआ है। तो भाई जैसे भाई तुम्हारा अभी उस वाले साइड था वहाँ से आया, ये चेक मारो यहाँ से, यहाँ पीछे उस वाले साइड के लिए गांव है, छोटा सा गांव है, वहाँ से ऊपर और भी घर है, वो चेक मारो वहाँ से ऊपर घर है। तो भाई तुम्हारे के पास एक बैलून है, छोटा मोटा बैलून को गिफ्ट दे दूँगा, कोई छोटा लड़का मिलेगा ना गाइज उसको मैं गिफ्ट दूँगा। ये सिंगल वाले साइड, ये साइड रही, और ये इतना फ्लेवर बन रहा है, बहुत लंबा फ्लेवर होगा जैसे कि मैंने पहले भी बताया। चलिए फिलहाल चलते हैं आगे और वहाँ से आगे दिखाते हैं कि और आगे कितने कहाँ तक बन रहा है। और यही वाला एरिया जो था गाइस जहाँ पे कोई काम नहीं लगाया हुआ था, सारे बंदे सोच रहे थे कि इस वाले जगह पे क्या बनेगा। तो जैसे आपको बताया कि देखो भाई फ्लेवर बन रहा है यहाँ पर, बहुत लंबा फ्लेवर है, वहाँ से लेकर और ही आगे 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 वहाँ तक, और वहाँ से आगे भी दिखाते हैं कि कहाँ तक है ये, वहाँ पर शायद उसके ऊपर से वो एंगल टाइप के डाल रहे हैं यार। चलिए फिलहाल आगे जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि क्या सच में डाल रहे हैं क्या, हमने सुना वहाँ पे वो डाल रहे हैं ऊपर से, इतना ऊपर पहुँच गया होगा। और वहाँ पे देखो यार छोटे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं भाई,
चलिए क्रिकेट खेलने के लिए तो बन गया ना यार, बाकी फ्लेवर जब गाड़ियाँ वहाँ से जाएंगे ना भाई बाहर से, फील करो यार कितना मज़ा आएगा यार। चलिए ज़िंदगी होनी चाहिए गाइज, तब भी दिखाएंगे और तब भी चलेंगे, इसके ऊपर से जाया करेंगे जब, तब भी दिखाएंगे। तो तब तक ये देख लो भाई। और भाई एक बात बताऊँ कि NH44 का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, नेशनल हाईवे जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसमें वाहिद स्ट्रेच आपको पता है कि रामबन और बानीहाल का पेंडिंग था, और वहाँ पे भी ये देख लो ये ऊपर से डाल रहे। और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है ये वाला जो फ्लेवर है ना, इसका भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। इसकी एस्टिमेट कॉस्ट अभी तक पता नहीं है कितनी है, चलिए मैं चेक करता हूँ, अगर कंफर्म हो गया कितनी है तो वो भी बताते चलो, अगर नहीं हुआ तो उस चीज़ के लिए सॉरी यार। इस वाले फ्लेवर की मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है इसके रिलेटेड। ये देख लो भाई, जहाँ से पूरे पिलर्स जो है वो कंप्लीट है, पिलर तैयार हैं, अब इसके ऊपर से डालने की बस बारी है। जैसे ये डाला हुआ ना यहाँ से, इस वाले स्ट्रेच में बस इस चीज़ का ही इंतज़ार है। ये गुड न्यूज़ बताते चलो कि गाइज इस वाले स्ट्रेच पर भी देख लो भाई, ये कुछ डाल रहे हैं इसके ऊपर से, इसको क्या बोलते हैं, लोहे का है बट पता नहीं है क्या बोलते हैं, लेकिन गुड न्यूज़ है यार अपने जम्मू कश्मीर और अपने ऑल इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि इस वाले फ्लेवर के ऊपर से भी इनकी तैयारियां शुरू हो गई। इसका मतलब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में, आने वाले 4-5-6 महीनों में जो है वो ये एरिया भी कंप्लीट हो जाएगा। उस साइड से भी लगा रहे हैं और वहाँ पे भी कुछ पहुँचा दिया है, वो चेक मारो, वहाँ से भी तैयारियाँ स्टार्ट है। इसका मतलब यहाँ से जो है वो आगे को जो है वो तैयारियाँ कम्प्लीट है, और यहाँ से कुछ पिलर जो है वो पेंडिंग है। चलिए यहाँ से आगे दिखाते हैं नाचलाना की तरफ, यहाँ से आगे आता है अब नाचलाना का एरिया स्टार्ट होता है। देख रहे हो ना एरिया कैसे सुनसान एरिया है गाइस, आम बंदा ना यार यहाँ से चलता भी नहीं, पैदल भी नहीं चलता है, क्योंकि काम ही नहीं है जब उसका। लेकिन भाई तुम्हारा इस जगह पे भी आया यार, यहाँ से मैंने सोचा जब दिखाऊंगा ना अपने दोस्तों को, ये देखो दरिया से उठाए हैं पिलर्स पूरे, और आगे नाचलाना तक इसी तरह के, नाचलाना से आगे भी लगभग 2 किलोमीटर, अब आगे नाचलाना आ रहे हैं। तो और भाई तुम्हारा आपसे कुछ नहीं मांग रहा है यार, बस एक लाइक मांग रहा है, प्यारा सा कमेंट करना, और ये कमेंट बॉक्स में बताना कि आप साहब कहाँ से देख रहे हो। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर देना भाई। ये देख लो भाई ऊपर से दिखा रहा हूँ यार, भाई भाई तुम्हारा नीचे नहीं जा सका यार, क्योंकि नीचे जाके ना यार कोई फ़ायदा नहीं है नीचे से दिखाऊँ, बट ऊपर से ना ज़्यादा व्यू, खतरनाक व्यू ज़्यादा आता है। ओए होए 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 चेक मारो गाइज, इसीलिए भाई तुम्हारा जो ऊपर से ही दिखा रहा है वो आगे मोड़, और वहाँ से आगे फाइनली अभी मैं नाचलाना में पहुंच गया। चलते चलते भाई तुम्हारा नाचलाना पहुंच गया आज फिर से, परसों वाले व्लॉग में भाई तुम्हारा काफ़ी चला था बट आज भी चला यार, क्या करेंगे यार, ना हमारे पास कोई गाड़ी है ना बाइक है ना कुछ है, तो पैदल तो चलना पड़ेगा भाई। फाइनली भाई तुम्हारा पहुँच गया, ये खड़ी को रोड जो था जो रेलवे स्टेशन खड़ी का मैंने व्लॉग डाला हुआ था, आपको अगर नहीं देखा होगा चैनल पर चेक कर लेना, यहाँ से पीछे हमारा रेलवे भी है बन रहा है, बन क्या रहा है वहाँ पर ट्रेन ट्रायल वगैरह सब कुछ हो गया, और ये जगह इस जगह को नाचलाना हम बोलते हैं ये। और ये फ्लेवर जो और भी आगे को है, यहाँ से इसके ऊपर आएगा और यहाँ से और भी आगे को है, बहुत लंबा है यार बट नहीं बता सकता कि आगे कितना लंबा हो रहा है, ऐसे समझ लो कि रामसे तक होने वाला है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं और आगे, अगर मौका मिल गया तो आगे का भी थोड़ा सा दिखा दें व्यू। तो फाइनली भाई तुम्हारा पहुँचा नाचलाना पुल पर, चेक मारो ये खड़ी के लिए रोड जाता है, और ये फ्लेवर जो कंटिन्यूस यहाँ से भी आगे को जा रहा है, यहाँ से आगे एटलीस्ट 1 किलोमीटर और है लगभग रामसूद तक के करीब करीब हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है यहाँ तक, अगर भाई आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके सब्सक्राइब भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आज का प्यारा और छोटा सा व्लॉग जो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर व्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक और दिन और एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, ओके बाय बाय।